नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सबका स्वागत है हमारे आज के वुमेन्स डे स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हम बात करने आए हैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर। तो आइए हम अपने कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि वो नारी सशक्तिकरण का मतलब क्या समझते हैं। आई वुड लाइक टू से कि मैं बीइंग अ गर्ल मैं बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, और हमारे बिना मेरे को लगता है कि ये इनकम्प्लीट है वर्ल्ड। तो आपकी नजर में एक नारी के सशक्त होने का मतलब क्या हुआ, उसका अर्थ क्या समझती हैं आप किस रूप में कह सकते हैं, कब कह सकते हैं कि हाँ नारी पूर्ण रूप से सशक्त है? As you know कि we have all the equal rights as men have, so excuse me, so we are proud to be a woman just. आप क्या बताना चाहेंगे कि आपकी नजर में नारी किस तरीके से सशक्त है? एक्चुअली जैसे मेंस आर हम लोग बोलते हैं मेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, वुमेन्स भी इक्वली स्ट्रांग होती हैं। मेंस जो काम कर सकते हैं वुमेन्स वो हर चीज कर सकते हैं जो मेंस कर सकते हैं। वुमेन्स हर जगह है, बैंकिंग में, रेलवे में, जहाँ बॉयज है वहाँ मेंस है, तो वी आर इक्वल मेंस और गर्ल। तो आप सभी की नज़र में आई थिंक सो वुमेन पूरी तरीके से एम्पावर्ड है। तो आपकी नज़र में नारी सशक्त, नारी को सशक्त बनाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं? वो सारे राइट्स देने चाहिए जो मैन के पास राइट्स है, वो गर्ल्स को भी देने चाहिए, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि वो कहीं भी कम नहीं है। आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि गर्ल आज के टाइम में पूरी तरीके से एम्पावर्ड हो चुकी है, यानी नारी पूरी तरीके से सशक्त हो चुकी है, तो क्या आपको नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैं बता देती हूँ कि नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया गर्ल्स के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। यहाँ हर 2 मिनट में गर्ल्स के ऊपर हो रही किसी भी क्राइम का एक रिपोर्ट, एक केस फाइल किया जाता है, और प्रति घंटे 26 केसेस फाइल किए जाते हैं। क्या ये आंकड़ा जानने के बाद भी आप ये कहेंगी कि हाँ नारियां पूरी तरीके से सशक्त हो चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि आजकल मतलब जमशेदपुर में नहीं बट दिल्ली में बहुत ये सब चीज हो रहा है। कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप पूछिए, तो आप मतलब यही आपको पता चलेगा आज इस लड़की के साथ ये हुआ, आज उस लड़की के साथ ये हुआ, तो ये बहुत गलत चीज है। सब बातें जानने के बाद भी अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने कहा था कि नारियां पूरी तरीके से सशक्त हो चुकी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि नारी के सशक्त होने का मतलब आप लोग क्या समझती है? मैम आप बताएंगे। मतलब कोई भी वुमेन से पूरी तरह से सेफ हो, वो कहीं भी जाए आराम से जाए, विदाउट एनी स्कार्फ, विदाउट एनी स्टॉल, और उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि उनके साथ कभी गलत नहीं हो, तो इस तरह से। तो कोई एक रास्ता क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, कोई एक तरीका जिससे आपकी नजर में नारी पूरी तरीके से सशक्त हो चुकी हो सकती है, जिस रास्ते पर चलने से एक नारी पूरी तरीके से सशक्त हो सकती है, ऐसा कोई एक रास्ता क्या आप बता सकती है? उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, स्पेशली उनके पेरेंट्स उन्हें हमेशा मोटिवेट करें, बिकॉज अगर लड़की को डिमोटिवेट करेंगे तो वो आगे नहीं पढ़ पाएगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके पेरेंट्स उनका हेल्प करें, वो किसी भी फील्ड में जाए, कहीं भी जाए उस चीज के लिए, तभी जाके एक लड़की। मैम आज की डेट में पेरेंट्स बहुत ज्यादा गर्ल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा गर्ल्स को सपोर्ट कर रही है, मगर इसके बावजूद लड़कियां सशक्त नहीं हो पा रही है। आपकी नजर में हम कह सकते हैं कि नारियों को सशक्त होने के लिए, नारियों को सशक्त बनाने के लिए हमें लड़कों की थिंकिंग, उनकी मेंटालिटी सुधारने की जरूरत है, यानी कि आप सभी की नजर में हम लड़कों को पढ़ा दे, उन्हें शिक्षित कर दे, तो नारियां जो है सशक्त बन जाएंगी। ठीक, इसके ऊपर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट तो सारी लड़कियों को उनके मॉम डैड यानी उनके पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उन्हें एजुकेशन, फुली एजुकेशन दे, तब जाके वो एजुकेटेड भी हो जाएंगी, और इसके वजह से वो कहीं भी अपने थ्रू अपने लिए अपने अगेंस्ट जो वो लड़ सकती हैं, लड़ाई कर सकती हैं वो, तो सबसे पहले तो इसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। अच्छा, तो आपके नजर में मैम कि अगर लड़कियां पूरी तरीके से सुरक्षित हो, मतलब शिक्षित हो जाती हैं, तो वो पूरी तरीके से सशक्त भी हो जाएंगी, तो इसके ऊपर हम दूसरे लोगों की भी राय जानना चाहेंगे। तो इतनी सारी लड़कियां पढ़ तो रही हैं, शिक्षित तो हो रही हैं, मगर इसके बावजूद वो सशक्त नहीं हो पा रही हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है, कुछ आप बताना चाहेंगे? मतलब सारी लड़कियां पढ़ने में मन कम लगा रही है, इधर उधर की बातें ज्यादा कर रही है, पेरेंट्स हमें भेजते हैं पढ़ने के लिए, बट बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई कम करती है, इधर उधर की बातें ज्यादा करती है, इसी कारण सशक्त नहीं हो पा रही। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी लड़कियों से इस मुद्दे पे बात करते हैं। मैम आप जानती हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आपको कैसा लग रहा है बाय बीइंग अ गर्ल? बाय बीइंग अ गर्ल ऐसा हम लोग को लगता है, बट हम लोग को सेफ्टी महसूस नहीं होती कहीं भी आने जाने पर, लड़के के चलते ही है बस।
तो ये हम लोग को हटाना होगा, तो लड़कियाँ सेफ होंगी और अच्छे से पढ़ पाएंगी और सशक्त भी हो पाएंगी। आपकी नज़र में हमें लड़कों की मेंटालिटी चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? प्राउड फील करते हैं कि एक लड़की है, लेकिन कुछ वजह से हम लोग सेफ महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस लड़के लोगों की उन्हें सुधारा जाए कि इस टाइप का ना करने के लिए हम लोग के साथ, क्योंकि उनकी भी सिस्टर होती है, मदर्स होती है, तो उस टाइप का हम लोग को दर्जा दिया जाए। इंटरनेशनल वुमेंस डे है जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है, तो आज के दिन में हम बात कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण की, कि हमारे देश में हिंदुस्तान में कितनी नारियां सशक्त हो रही हैं या हो चुकी हैं या अभी भी होनी बाकी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हो चुकी है, अब तो सब जगह में देखा जा रहा है कि मतलब जो मतलब गर्ल्स लोग हैं वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है, डेवलप हो गई है, और हर मतलब हर सेक्टर में, यहाँ पे भी देख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे सब कोई अपने तरीके से, और बहुत सारी है जो मतलब पार्ट टाइम जॉब करके भी अपना काम कर रही है, और हर जगह पे है, तो बहुत जगह इंडिया भी बहुत प्रोग्रेस कर रही है। अगर आप बताइए कि आपकी नज़र में लड़कियाँ सशक्त कब हों? कब ही, आई डोंट नो, नो क्वेश्चन। यहाँ तो लड़कियाँ ही कैमरे को फेस नहीं करना चाह रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब एक लड़की एक कैमरे को फेस नहीं कर सकती है हिंदुस्तान में, तो वो अपनी जिंदगी में आ रहे डिफिकल्टीज को कैसे फेस करेगी, उन कांटों भरे रास्ते पे चल के, उन पत्थर भरे रास्ते पे चल के अपने मंजिल को कैसे पाएगी, कामयाब कैसे बनेगी। तो यहाँ तो कॉलेज में बातचीत के दौरान ही हमें पता चल जा रहा है कि नारियाँ कितनी सशक्त हैं और कितनी नहीं, और अभी दिन में सशक्त होने के लिए शायद लड़कों की मेंटालिटी बदल के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल के, पेरेंट्स की मेंटालिटी बदल के कुछ नहीं होने वाला। शायद सबसे पहले इन्हें अपनी ही मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, इन्हें अपनी सोच का दायरा बड़ा करना पड़ेगा, इन्हें अपने सपनों का आकार बड़ा करना पड़ेगा। इतनी सारी लड़कियों से बातचीत के बाद अब हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तूने ये करने के बाद साबुन से हाथ धोए थे ना? हाँ यार, पानी से धो दे। पानी से? सॉरी जय। सॉरी। सफाई में भलाई, अब तो समझो मेरे भाई। आठ मार्च यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हम इसे महिला दिवस के नाम से भी जानते हैं। सन 1909 से शुरू हुआ ये दिन महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस वुमेन्स डे स्पेशल प्रोग्राम में। तो मैम, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे देश में हम सब कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का मान होता है, सम्मान होता है, उनकी पूजा की जाती है, देवों का वास भी वहीं होता है। तो हमारे देश हिंदुस्तान में जहां नारियों को अनेकों रूपों में पूजा जाता है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इन सब रूपों में पूजे जाने वाला, महिलाओं को पूजने वाला ये देश, यहां नारियां किस हद तक सशक्त हैं? नारियां काफ़ी हद तक सशक्त हो रही हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से हो चुकी हैं, क्योंकि आज भी जो समाज की आप बात कर रहे हैं, जहां लक्ष्मी को, दुर्गा को पूजा जाता है, उन्हीं की पूजा में अक्सर बाहर निकल के लड़के आज भी लड़कियों को छेड़ते हैं। और ये जो 8 मार्च का दिन है, सिर्फ 8 मार्च तक ही रह जाता है, क्योंकि बाकी 364 दिन लड़कियां पूजी नहीं जाती। जी जी बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे
या महिला दिवस हम सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों मनाएं, बाकी के 364 डेज क्यों नहीं? हमें ये वुमेन्स डे हर दिन मनाना चाहिए, बस एक दिन तक उसको लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। अगर एक दिन हम वुमेन को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बाकी 365 डेज उनको उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ छेड़खानी होता है, तो ये तो गलत चीज़ है। तो हमें सोसाइटी को ये बताना चाहिए कि वुमेन्स डे सिर्फ 8 मार्च तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, ये पूरे 365 डेज कंटिन्यू होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप लोग के हिसाब से नारियां अभी तक सशक्त नहीं हुई हैं, तो नारियों को सशक्त करने के लिए हमें ऐसे कैसे कदम उठाने चाहिए, आप बता सकती हैं मैम? देखिए, नारी हमेशा से सशक्त रही है, ऐसा नहीं कि नारी सशक्त नहीं रही, उसको पहचान नहीं मिली, उसको वो आदमी ना समाज कबूल नहीं करना चाहता है कि वो सशक्त है। और रही बात 364 दिन मनाने की, तो मुझे नहीं लगता एक भी दिन मनाने की जरूरत है। तो आपके कहे के हिसाब से हमें नारियों को सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए, तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी नजर में नारी सशक्तिकरण क्या है? नारी सशक्तिकरण ये है कि लड़कियां हर जगह बहुत मतलब स्ट्रांग बन रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज उस चीज़ को मतलब सक्सेस नहीं होने दे रहा है, कहीं ना कहीं उनके ड्रेस के बेसिस पे मतलब उनके मतलब सवाल उठाते हैं। महिलाओं के साथ हो रहा जो ये शोषण है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो 3.1% घटा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या नारियां सच में सशक्त नहीं हो रही हैं या समाज उन्हें सशक्त नहीं होने दे रहा है? नारियां सशक्त हो रही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो हमें करनी चाहिए अपने घर से करनी चाहिए। हम लोग एक दिन 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाने से नहीं होता है, हम अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने पापा को समझाएंगे। हर एक इंसान अगर ये सोच ले कि हम अपने परिवार को सुधारेंगे, तो ये पूरा देश सुधर जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिर्फ दुनिया में या इंडिया में हम कह सकते हैं रेप जैसी घटनाएं लड़कियों के साथ नहीं घट रही हैं, हम कह सकते हैं जैसे कि बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, फिर गर्भ में ही लड़की भ्रूण हत्या हम कह सकते हैं, जैसे गर्भ में ही हम जब जो गर्ल चाइल्ड आती है हमारे उसे हम मार देते हैं, पर 1000 लड़कों के ऊपर 946 लड़कियां जन्म लेती हैं। वही क्षेत्रीय मतलब सिटी इलाकों में, जैसे शहरी इलाके हैं हमारे, यहाँ पे हर 1000 पुरुषों के ऊपर मात्र 926 लड़कियां जन्म ले रही हैं। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शहर के इलाकों में ऐसी घटनाएं क्यों घट रही? कहीं ना कहीं लड़कियों को बोझ समझा जाता है, वो जस्ट बिकॉज कि वो डाउरी सिस्टम अभी भी हमारे समाज में वो है, और हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब थोड़े चेंज होने चाहिए। डाउरी के ऊपर थोड़ा और दबाव डालना चाहिए गवर्नमेंट को, उसमें और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चों को मतलब मार नहीं दिया जाए, और मतलब मैरिज में ज्यादा तकलीफ ना हो, तब भी हम वुमेन्स को सेव कर पाएंगे। बहुत सारे लॉस के बारे में जानती हूँ, इनफैक्ट कई जो हम पढ़े लिखे लोग हैं वो सब उन लॉस के बारे में जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम हिम्मत ही नहीं कर पाते कि हम पहुंचे, समाज की बदनामी होगी, घर वाले रोक देते हैं कि आप मत जाओ, कंप्लेंट मत करो, बदनामी होगी, किसी से कहो मत। तो सबसे पहले तो जैसा उसने कहा ना कि हमें अपने घर में अपने लोगों को बदलने की जरूरत है, अपनी सोचो और हिम्मत करिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हिम्मत हो तो कोई किसी भी लॉ की ऐसी जरूरत भी नहीं है, लॉ हमारे आते, कई लॉज हैं जो मुझे लगता है जितने कानून उतना काफी है, बस उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट और उसका सही इस्तेमाल हो, ये बड़ी बात है। जहां तक हमने सभी लड़कियों से बात की, उनकी राय जानी, इसे हम कह सकते हैं कि हमें लड़कियों को सशक्त बनाने का जो ये पहला कदम है ये अपने घर से उठाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते और भी कुछ लड़कियों से बात करते हैं। आई थिंक जो मनाना नहीं वाला जो बात है, आई थिंक मैं कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री करती हूँ कि हम जब इस डे को एक्सक्लूसिव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये दिखा देते कि लड़कियां हैं, यू नो, कि वो कमजोर है और उन्हें बढ़ाने की जरूरत है, तो वो एक्सक्लूसिवनेस वो जब आ जाती है तो हम खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं। हम जब ये एडमिट करना बंद कर दे और खुद में ये धारणा बना ले कि नहीं, लड़कियां कमजोर नहीं है, सिर्फ थोड़े से पुश की उन्हें जरूरत है, तो आई थिंक ये चीज अगर हम करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू सिर्फ एक दिन मनाने से। कह सकते हैं अपनी सभी लड़कियों से बात करने के बाद कि वो दिन दूर नहीं है जबकि हमारे देश की हर एक लड़की सशक्त होगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कदम तो उठ ही चुका है, कदम तो आगे बढ़ ही चुका है, पहल हो चुकी है नारियों के सशक्त होने की, बस देर है मंजिल तक पहुंचने की। तो वो क्षण भी दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और लड़कियों को पूर्ण रूप से सशक्त होते हुए देखेंगे। तो इसके बाद हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अरे
अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तूने ये करने के बाद साबुन से हाथ धोए थे ना? हाँ यार, पानी से धोए थे। पानी से? सॉरी जय। सॉरी। सफाई में भलाई, अब तो समझो मेरे भाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक ऐसी महिला जो अपने आप में नारियों के सशक्त होने का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने घर को भी संभालती हैं, उसके बाद इतने बड़े डिपार्टमेंट को भी संभालती हैं, ये सब आप हैंडल कैसे करती हैं? मन में इच्छा हो और अगर समय प्रबंधन आपने सही किया हो तो दोनों काम नारी के लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे भी मुझे लगता है कि महिलाएं जो है वो इनबॉर्न मल्टीटास्किंग होती हैं, तो बच्चे को संभालना, पति को संभालना, घर को संभालना वो वैसे भी करती थी, और उसमें अगर बाहर का काम और बाहर के बच्चे भी जुड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अंदर जुनून है कुछ करने का तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सभी के सहयोग से आप ये काम कर पाते हैं। ये आज के वक्त में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनके अंदर की बहुत जुनून होता है, वो कुछ पाना चाहती हैं, कुछ हासिल करना चाहती हैं, पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाती हैं, तो उसके ऊपर उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके दिल में इच्छा है तो धीरे धीरे रास्ते बनते चले जाते हैं। जरूरी ये है कि आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं, जरूरी ये भी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सुनिश्चित रहें और उसके उस तरफ चलते रहें बिना इस बात की परवाह किए कि आपस में आपके घर के लोग क्या कहते हैं, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, क्या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है या कोई ये कह रहा है कि ये इससे संभव नहीं है। इन सारी बातों से बेपरवाह अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपने जो लक्ष्य तय किया है उसमें आप बेस्ट कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। मैम, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप उन सभी लड़कियों को जो अपने हौसलों का उड़ान, अपने पंखों को बना के उड़ना चाहती हैं, अपने मंजिल को पाना चाहती हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरा यही संदेश है कि आसमान पूरा उनके लिए है और अपने पंख बहुत अच्छे से पसारें और हौसले को अपनी ताकत बनाएं और उड़ान भरें, और कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सिर्फ उनकी ही इच्छा शक्ति है जो सारी चीजों से लड़ सकती है, सारे संघर्ष से आगे बढ़ सकती है, और उसी को अपना साथी बनाकर वो आगे बढ़े। हम फिर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं नेहा। आज हम बातें करेंगे कुछ लड़कों से वुमेन्स डे के ऊपर। तो आप सब हमें ये बताइए कि आज वुमेन्स डे, इस पर आपको क्या कहना है, क्यों मनाते हैं हम वुमेन्स डे? वुमेन्स डे मनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक स्पेसिफिक डे जिस दिन हम महिलाओं को विश कर सकें, महिलाओं को इस चीज के बारे में बता सके कि हाँ आप पावरफुल हैं, आप महिला हैं, इस पर आपको नाज होना चाहिए, ना कि इस पर डरना चाहिए। इस वजह से हमने एक फिल्म भी बनाई है, शॉर्ट फिल्म जो हमने विमेंस को डेडिकेट किया है। गांव का सम्मान हमारे देश में प्रतिदिन नहीं होता है, प्रतिदिन हमारे देश में। अच्छा, तो फिर वो लड़की के अंदर वो डर क्यों, जब भी वो बाहर निकलती है तो फिर लोगों के अंदर वो डर क्यों, वो बाहर जाती है, वो लेट तक नहीं आ सकती घर से बाहर, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें क्या है कि अब सोच बदलने का समय है। जहाँ हम चाहते हैं कि हम लोग जहाँ 10 बजे तक या 9 बजे तक अगर बाहर सुरक्षित घूमते हैं तो ये सिक्योरिटी हम लोग को महिलाओं के लिए भी क्रिएट करना चाहिए, वो एक सेफ जोन जो है। अब ये क्योंकि हमारे लिए नहीं, ये अब हमारे देश के ऊपर सवाल उठने वाला है कि जहाँ
लड़के इतने आराम से घूम सकते हैं रात में, उतने ही आराम से लड़कियां क्यों नहीं घूम सकती? हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो हमारे भाई बहन, मतलब उन भाई जो है वो माँ बाप, मतलब माता और फिर बहनों की इज्जत घर पे तो करते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं वो और कोई लड़की को देखते हैं तो उसका नजरिया ऐसा क्यों बदल जाता है? देखिए, नजरे की बात हमेशा अलग होती है, और जैसे कि आपने पहले बताया था कि हमें सिर्फ 8 मार्च को ही वुमेंस डे मनाते हैं, तो हमें क्या इसी दिन हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए? मेरे सोच से ये होना चाहिए कि 8 मार्च है तो हमें इस दिन छुट्टी कर देना चाहिए, आराम से घर में बैठना चाहिए। जैसे कि आज है वुमेंस डे, हमने कुछ बात की है मास कम्युनिकेशन के कुछ बच्चों से, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहला काम मीडिया करती है, तो एज ए मीडिया पर्सन इन्होंने तो अपना काम कर दिया एक मूवी बनाकर वुमेंस के ऊपर, तो अगला स्टेप्स आपका है कि आप वुमेंस को ऊपर ले जाने तक आप अपनी सोच कैसे बदलते हैं और उन्हें आगे कैसे बढ़ाएं। धन्यवाद।